दोस्तों अब मैं इसका दूसरा तरीका दिखाऊंगी, उबाल कर काढ़ा बनाकर इसे मैं उबालूंगी और काढ़ा बनाऊंगी। चलिए इसे उबालते हैं। मैंने चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ा लिया है और इस पर एक गिलास पानी डाल दूंगी और इसमें हरसिंगार का पिसा हुआ भाग डाल दूंगी। और इसमें मैं दो चार दाने काली मिर्च के डाल रही हूँ। ये उबल जाएगा। चूल्हे को मैंने तेज आंच पे रखा है। अब मेरा काढ़ा उबल रहा है। थोड़ी देर के बाद ठंडा होने पर मैं इसे छानूंगी। थोड़ी देर और उबलने देती हूँ कि पानी और थोड़ा कम हो जाए। और इसे अब मैं एक बर्तन से ढक दूंगी। अब मेरा काढ़ा बन चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। थोड़ा ठंडा होने पर मैं इसे छानूंगी। काढ़ा ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं छान लेती हूँ। इसे थोड़ा गरम गरम ही पिए। ये मेरा हरसिंगार का काढ़ा बनकर तैयार है। इस प्रकार से मैंने हरसिंगार का काढ़ा बना के आप लोगों को दिखाया। हरसिंगार बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग भी काढ़ा इस प्रकार से बनाएं और पिए और स्वस्थ रहें। अभी घर घर में बुखार सबों को हो रहा है। इसे पीने से बुखार दूर होता है। नमस्कार।